आज जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ, हर इंसान अपने लाइफ में फोकस रहना चाहता है, हर इंसान अपने वर्क पे, अपने एजुकेशन पे, अपने बिजनेस पे फोकस करना चाहता है, लेकिन जब स्टार्टअप करता है उस टाइम उसका फोकस रहता है, लेकिन जरूरत के साथ और टाइम के साथ उसका फोकस खत्म होते जाता है। तो दोस्त, आज एक ऐसी चीजों पर बात करने वाला हूँ, स्पेशली फोकस पे बात करूंगा। अगर हम लोग अपने लाइफ में फोकस नहीं करते हैं तो हम लोग के लाइफ का क्या होने वाला है, और अपने लाइफ में फोकस करते हैं और करने का जो बेस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, उन सब चीजों को समझेंगे। अगर क्लियर कट भाषा में समझो तो आज उस चीज के बारे में समझेंगे, फोकस के बारे में, कि अगर लाइफ में फोकस करते हैं तो कितना हम लोगों को प्रॉफिट है, और अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाते हैं तो कितना प्रॉब्लम है। आज इस चीज को सही ढंग से समझना है। नमस्कार दोस्त, मैं रूपेश शर्मा आज इसी चीज को क्लियर करूंगा कि फोकस अपने लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। क्योंकि दोस्त, अपने लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस फोकस का है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हो, कोई भी वर्क करते हो, बिजनेस करते हो, एजुकेशन करते हो, जॉब करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने काम पे कितना फोकस करते हो, क्योंकि जब इंसान अपने काम पे फोकस करता है तभी जाके सही ढंग से उस काम को वर्कआउट कर पाता है और जो अचीव करना चाहता है अचीव कर पाता है। क्योंकि फोकस करने के बाद ही इंसान जरूरत से ज्यादा उस काम को करता है और टाइमिंग से ज्यादा और अपने औकात से ज्यादा मेहनत करता है। इसलिए दोस्त, अपने लाइफ में हर चीज के लिए फोकस करना जरूरी है। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस चीज पर भी फोकस होना चाहिए, जो भी वर्क करते हैं उस पर भी फोकस होना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, और करते हैं तो क्या प्रॉफिट होता है, आज उस चीज के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। आप इस चीज को समझना, आप सही ढंग से समझ पाओगे, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त लाइफ में फोकस। एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में दो ही कंडीशन होता है, या तो लाइफ में अपने फोकस्ड हो जाओ, जो भी आप करते हो उस चीज में फोकस्ड हो जाओ, नहीं तो जिंदगी में पछताने के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि जब आप एक बार फोकस्ड नहीं करोगे तो पूरी लाइफ ऐसी पछतावा होगी दोस्त कि आप समझ नहीं पाओगे कि कितना पछताओगे, बस वही वाला हाल हो जाएगा। अगर सांप निकल गया, बस उसके निशान को पीटते रहो, क्योंकि अगर लाइफ में एक बार टाइम निकल जाए तो उस टाइम को वापस नहीं किया जा सकता है, और जो चीज एक बार हाथ से निकल जाए उस चीज को वापस नहीं लाया जा सकता है। इसलिए दोस्त, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अपने जीवन में और अपने लाइफ में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई नियम नहीं है कि इसका तीसरा कोई रूल है, तीसरा कोई रूल नहीं होता है। बस दो ही रूल है कि अपने लाइफ में फोकस्ड हो जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछतावे के लिए रेडी हो जाओ। एक छोटा सा क्लियर सा क्वेश्चन है, समझना इस चीज को, सही से पकड़ पाओगे। आप किसी लेडीज को कभी सुने हो ऐसा कि वो 70% प्रेग्नेंट हुई है? या तो होता है या नहीं तो नहीं होता है। लाइफ में बस यही कंडीशन है दोस्त, जैसे उस टाइम प्रेगनेंसी में होता है, या तो लेडी प्रेग्नेंट होती है नहीं तो नहीं होती है, वैसे ही लाइफ में होता है, या तो होता है नहीं तो नहीं होता है, वैसे ही फोकस्ड है। अगर लाइफ में फोकस नहीं करोगे तो जिंदगी भर पछतावे के लिए तैयार रहो। आज इस चीज को समझना है दोस्त कि फोकस मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में, किसी भी वर्क के रिगार्डिंग, किसी भी जॉब, बिजनेस, एनीथिंग मोर देन, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हो, बस इतना जरूर फर्क पड़ता है कि आप अपने काम पे कितना ज्यादा फोकस्ड रहते हो। क्योंकि इंसान जब फोकस्ड करता है ना किसी काम पे, जो भी वर्क करता है, बिजनेस करता है या एजुकेशन करता है, जॉब करता है, तो जब इंसान फोकस्ड करता है तो वहां पे सबसे ज्यादा इस चीज को मजा आता है। कितना भी उसको हार्डवर्क करना पड़े, कितना भी उसको, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट नहीं रहता है, टाइम लिमिट सब खत्म हो जाता है। जब फोकस्ड एक बार हो जाएगा कि मुझे वहां से क्या अचीव करना है, जब उसको दिखने लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वहां से मुझे क्या मिलने वाला है, तो इंसान उस काम को टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं करेगा, उस वर्क को ऐसे करेगा जिसके लिए कोई टाइम ही नहीं है, एनी टाइम एनी वे उस वर्क को करेगा, चाहे उससे दिन हो रात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ दोस्त, एक चीज को और समझना, एक चीज को और क्लियर करूंगा, आप इस चीज को समझना, लाइफ में ऐसी तीन चीजें ऐसी हो, अगर सिंपल सा फंडा है दोस्त कि अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो कॉपी पेन लेकर आ जाओ और इस चीज को लिखना चालू करो, क्योंकि ऐसे समझ लो कि एक अच्छा सा पेज ले आओ और एक पेन ले आओ और लिखना चालू करो। लाइफ में अगर कोई भी ऐसा तीन रीजन लिख लो उस पेज पे जो आपका टाइम बर्बाद करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त अपने लाइफ में फोकस्ड रहने के लिए, एक पेन उठाओ, एक कागज उठाओ, उस पे तीन अपना रीजन लिखो कि अपने लाइफ में तुम किस चीज से ज्यादा टाइम बर्बाद करते हो। क्योंकि इंसान को पता ही नहीं चलता है कि उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इस चीज को समझना है कि जो भी आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो उस चीज पे ध्यान दो, जिस भी वर्क को करते हो जहां पे तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद
हो रहा है उस चीज को लिखो, नोट आउट करो, तीन रीजन, उस तीन रीजन को नोट आउट करके बस हमेशा के लिए उस चीज को या तो फाड़ के फेंक दो नहीं तो जला दो। जलाने का मतलब ही समझते ही हो कि क्या है, जलाने का मतलब यही होता है दोस्त, उसको जला दो। इतना बस ध्यान रखना कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ इनडायरेक्टली प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की नहीं बात कर रहा हूँ। इसलिए दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना है, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका टाइम बर्बाद करता है, जहां भी आप अपना सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद होता है, उस चीज को नोट आउट करके हमेशा हमेशा के लिए फाड़ के फेंक दो और जला दो। क्योंकि टाइम ऑलवेज मनी होता है और टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अपने वर्क में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, ज्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरे नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को समझना है कि लाइफ में वो तीन चीजों को नोट आउट करो फिर से। इसको जलाना फाड़ना नहीं है, इसको अपने पास रखना है हमेशा के लिए। लाइफ में उस तीन चीज को नोट आउट करो जो तुम सबसे ज्यादा बेस्ट करते हो और सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हो, और उस काम को करने में मन लगता है, कभी बोर नहीं होते, इरिटेट नहीं होते हो, ऐसे समझ सकते हो कि गुडनेस है तुम्हारे उस काम को करने में, तुमको अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और वहां पे तुमको इंटरटेन करते हो उस काम को करते टाइम। तो दोस्त ऐसा कोई अगर तुम्हारे पास रीजन है तो उस तीन रीजन को लिख लो, क्योंकि वही एक तीन रीजन है जो तुमको अपने लाइफ में जिस भी मुकाम पे पहुंचना चाहते हो लेकर जाएगा। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्त, तीन रीजन लिखो जो सबसे अच्छा करते हो अपने लाइफ में, उससे अच्छा कोई काम नहीं करते हो, वैसा कोई तीन रीजन लिख लो किसी पेज पे और उसको लिख के रख लो अपने पास, और हमेशा उस चीज को देखते रहो और उसी काम को करो जो सबसे बेस्ट है, जिसमें तुम सबसे बेस्ट हो, जो तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता दोस्त। क्योंकि लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने काम में बेस्ट होना, और अपने लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आप करते हो, जो भी आप करना चाहते हो, उसमें तुम कितना बेस्ट हो। क्योंकि इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है और कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप अपने लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं हो सकते हो। तो दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना है कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ में फोकस्ड रखना, और जो भी आप करते हो, क्योंकि जब तक आप फोकस्ड नहीं करोगे तब तक आप किसी भी वर्क में सही ढंग से फोकस्ड नहीं रह पाओगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कॉन्टेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक।